तो मैंने उनसे फाइनली कहा कि मैं भी आधे घंटे में घर पहुंच रही हूँ। इस समय बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है। हाउ यू फीलिंग? बच्चों से ना मिले ताकि कभी भी शील थ्रो अप। हाई माई ब्यूटिफुल पीपल, आज का व्लॉग जो है इट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड स्पेशल, जो कि मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ कि स्पेशल मोमेंट्स ही आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज दैट्स वॉट आई लाइक टू डू विद माई कम्युनिटी, कि कभी कुछ खास बात हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए या फिर ऐसा कुछ मोमेंट मेरी लाइफ में आ जाए जहाँ पर मुझे लगे कि इट कैन हेल्प अदर्स और पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन द सेम टॉपिक ऑल्सो, तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती हूँ। आज मेरे माई वेरी डियर इन अ वे बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं, कीर्ति और शरद घर आने वाले हैं। उन्होंने अभी बताया कि वो आज जीवा और इधा से मिलने आ रहे हैं और वो डेढ़ महीने के बाद आ रहे हैं। डेढ़ महीने के बाद क्यों आ रहे हैं आप सोच रहे होंगे, इतना मतलब इतना लॉन्ग गैप क्यों, उसका रीज़न मैं आपको इस व्लॉग के अंत में बताऊंगी और रीज़न जो है बहुत ही सॉलिड और प्रोफाउंड है, तो इसलिए व्लॉग शूट करना तो बनता ही था। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम जस्ट रीचिंग होम और वो लोग पहुंचने वाले होंगे। पिछले 3-4 दिनों से कीर्ति कोऑर्डिनेट करी थी अब आएँ या अब आ पाएँ या नहीं आ पाएँ, तो मैंने उनसे फाइनली कहा कि मैं भी आधे घंटे में घर पहुंच रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ, केशा को भी मिलना था जीवा और इधर से, तो वी फाइनली मीट। क्या खाया भैया? इतनी फनी है ना, मैं दिखाता हूँ इसकी। कौन सी वाली? ये इधर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं। पापा शी यू फनी? यू आर नॉट फनी। Well, I am. Fine, you. You are funny. Yeah. You're funny. You're funny. See. Are you? Yes, of course. Today we can touch. You waited for good 2 months. Oh, Bindaas संभाल दिया. वो संभाल दिया, ये उसका थोड़ा है. डोली डोली है. Bindaas संभालता है मेरा शोना. की बाजू में तो कैशर सिंह है. कैशर सिंह. Yes. You keep, you talk to her, she interacts. What? What's up, bro? What's up, bro? What's your name? Jeeva, smile, baby. How you feeling? You're scared. Why? Are you funny? No, you're not funny. She is very funny. You're not funny. You have to speak to her like that. You're not funny. यार हमारी तो फोन की मेमोरीज ही जा चुकी है, इतनी भर चुकी है मेमोरी, लिया उसके बावजूद भर रही है। देखो आशिका लेकर आई है जी, डालते बोलो, हमारा माउथिंग प्रैक्टिस हो रहा है, अब हम सैलिवेट कर रहे हैं और हम जल्दी से हम वो सॉलिड्स भी शुरू करेंगे, रेजिस्टेंस बन रही है हमारी। दाल चावल खाएंगे? नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे इसलिए सैलिवेट करते हैं, पर इनको ऐसे हाथ सकल करना और ये सब इम्पोर्टेंट है। मैं तो कैशा के मुंह में अंगूठा डालती थी जानबूझ के। हाँ, इनके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। दोनों दोनों ने बैंगल पहन लिए अपनी अपनी। हम पूरा पहाड़ी लोग है ना, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। डॉक्टर वो छोड़ी हमारे लिए लाते ही नहीं हो, एप्पल चोरी हो जाते हैं आपके ट्रेन में से, झूठ बोल के बोल दिया। देखो आप एक चीज आपने बोले भाई, एक चीज लाइन से एक बात आता मैंने भी बोला किया, हाँ गई अभी उन्होंने बोला मैं बहुत जो लाते हूँ खाते नहीं है, कोई लाइन नहीं है वाली बात तो खाए यहाँ से। अरे शुरू शुरू में लाइन तो बोलता है, मैं तो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ कि हवाई जाए वहाँ की यूरी खाने के लिए लाते भी तो नहीं है, नया बन गया बिल्कुल। अभी जा रहे हैं ना, अभी आओ तुम, अभी चलो ना। पता है तभी
गर्मियों में जाएंगे। हाँ गर्मियाँ है या लेपर्ड भी देखना ही नहीं लेपर्ड देखना बड़ा वो तो हम पकड़ लेंगे उठा के ले भी जाता है इसको खट्टा जमता है इनके लिए मीठा डाल दे बहुत खट्टा है मेरे लिए चलेगा ये कैसा है अभी अभी शरद और कीर्ति गए हैं इट फेल्ट सो नाइस सो नाइस सो नाइस खासकर आई थिंक ये न्यू मदर फेज़ में आप अपने दोस्तों को बहुत मिस करते हैं आप अपनी पुरानी लाइफ मिस करना शुरू करते हैं बिकॉज लाइफ कम्प्लीटली चेंजेस स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग मैंने आपसे कहा था कि वो लोग ऑलमोस्ट और दो महीने के बाद मिलने आ रहे हैं जीवा और इधा से और इसका रीज़न जो है मैं आपको अब बताऊँगी पहले कीर्ति शी वॉजन्ट फीलिंग वेल और उसे 10 से 15 दिन रिकवर करने में लग गया उसे खांसी थी थोड़ा सा वायरल था फिर उसके बाद केशा को भी वायरल हो गया तो दे मेड श्योर कि वायरल के बाद 15 दिन वो बच्चों से ना मिले ताकि कोई भी पोटेंशियली कोई भी अगर मतलब इन्फेक्शन हो वो बच्चों तक ना पहुंचे सो वो कम्प्लीटली दे वांटेड टू मेक श्योर दैट दे आर एब्सोल्युटली फाइन टू मीट द गर्ल्स And this is such an important thing, such an important thing, such an important thing. क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं इनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई है और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और यही मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि अगर आप किसी नए पेरेंट को जानते हैं या फिर कहीं आपके रिलेशनशिप में या फ्रेंड सर्कल में अभी अभी नए नए बच्चे हुए हैं आप अगर इन्फेक्शस या फिर यू नो किसी वायरल के साथ इफ़ यू आर इन्फेक्टेड या आप जानते हैं कि आपके सर्कल में किसी को यू नो कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो या फिर खांसी ज़ुकाम या कुछ भी हुआ हो तो प्लीज़ बच्चों से जाकर ना मिले इस समय बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है और वो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं आई एम ग्रेटफुल दैट आई मीन आई हैव सच पीपल अराउंड हु टेक अटमोस्ट केयर और मेरे तो फ्रेंड्स बहुत समय के बाद मुझसे मिलने आए क्योंकि बीच में ऐसा था कि सभी को वायरल हो रहा था सभी किसी ना किसी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे तो दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि एनी काइंड ऑफ कफ वायरल और फीवर एंड मीट द गर्ल्स यस बाबा ओके शी इज़ गेटिंग अ लिटिल इम्पेशेंट हम वॉक के लिए रेडी हो गए हैं तो बस आपके साथ मैं यही शेयर करना चाहती थी कि अगर आप भी नए पेरेंट हैं आप भी कह सकते हैं अपने दोस्तों से या रिलेटिव से कि कोई भी अगर बीमार है फैमिली में तो वो बच्चों से एटलीस्ट 10 से 15 दिन ना मिले जब तक वो फुली रिकवर ना कर जाएं और आई एम श्योर कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं एंड इफ़ दे आर कंसर्न अबाउट यू दे विल नॉट फील बैड अबाउट इट एंड यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट नॉट लेटिंग पीपल मीट यू इन अ सिनेरियो जहाँ पर आपको लगे कि वो आपके बच्चे की सेहत के लिए यू नो अच्छा नहीं हो सकता है ओके विद दैट नोट शी इज़ गेटिंग रियली इम्पेशेंट आई विल एंड द व्लॉग हियर एंड यू प्लीज़ बी सेफ इन्जॉय एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग